सभी को राधे राधे। महाराष्ट्री के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एकांतिक वार्तालाप माए साधक ने महाराष्ट्री से कहा कि सिनेमा जगत से हो और कई सारे अभिनय करने का मौका मिलता है, लेकिन कई ऐसे मौके होते हैं जब भगवत मार्ग और संतों के विपरीत अभिनय करने को मिलता है, तो क्या करें, मार्गदर्शन कीजिए। तो महाराष्ट्री क्या बोले जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूज्य महाराष्ट्री की ऐसी और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलकर सुनते हैं महाराष्ट्री ने क्या कहा। सिस्टर वशिष्ठ जी राजस्थान से। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी मैं पिछले कुछ समय से आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ। आपको सुनकर जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। नियमित रूप से राधा नाम जप करने का भी प्रयास रहता है। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं नाटक सिनेमा में अभिनय करता हूँ और मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार करने का अवसर मिलता है। कुछ किरदार कभी कभी ऐसे भी मिलते हैं जो भगवत मार्ग और आपके सत्संग के बिल्कुल विपरीत होते हैं। महाराज जी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं अब क्या करूँ। देखो जिसमें संतों की निंदा हो, शास्त्र की अवहेलना हो, ऐसे किरदार में अरबों रुपया मिले तो भी नहीं करना चाहिए। हाँ राजा रानियों के नाच गाने के और संसार को लुभावने के नाटक कर रहे हो, कोई परेशानी नहीं। नाम जप कर रहे हो, अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा रोल करो, जैसे विलियन भी नहीं हो तो क्या कहते हैं, विलियन नहीं हो तो आप रोल कर रहे हो, आप गंदे आदमी थोड़ी हो। लेकिन नाम की निंदा हो रही हो, साधु की साधुता का उपहास हो रहा हो और धर्म विरुद्ध आचरणों के, तो हमें लगता है कि उसका पतन हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। तो आप इस पर निर्णय कीजिए, आप इस विषय पर स्वयं निर्णय कीजिए। ऐसा अभिनय न कीजिए जिस अभिनय में धर्म का ह्रास होता हो। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिनको, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डाले को। भक्तों का उपहास करने का मतलब अपना सर्वनाश करना। तो वो जो कर रहा है सीरियल, अभी तो उसको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे रुपए, परिणाम में उसको नरक मिलेगा पक्का, इसमें संशय नहीं है। परिणाम में उसकी दुर्गति होगी। देखो दो प्रकार की दुनिया में व्यक्ति भी होते हैं, साधु भी होते हैं। एक होता है सतमार्ग में चलने वाला और एक होता है असत मार्ग में चलने वाला। जैसे सतमार्ग में चलने वाले कम होते हैं, असत तो मार्गगामी ज्यादा होते हैं, ऐसे ही भगवान में आसक्त चित्त वाले महात्मा कम होते हैं। इंद्रियों को संभालना, मन को रोकना, प्रभु का चिंतन करना, हर कष्ट सहना, वो महात्मा आगे बढ़कर भगवत साक्षात्कार करता है। अगर हम सब संतों को इसी दृष्टि से नाटक में दिखा देते हैं तो फिर जो भगवत प्रेमी सत्य मार्ग में चलने वाले महात्मा है उनका अपराध आपको बन जाता है अव्यक्त अनजाने में। तो जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सो जाए, मरना तो है ही, कर्म की गति बड़ी विचित्र, वो भोगना तो है ही। जो धर्म किया है, जो भजन किया है, जो समाज को सही रास्ते पे लाने वाले वचन बोले हैं, आचरण किए हैं, वही आपके साथ जाएंगे। तो बहुत सावधानी की जरूरत है। सच्चे बनोगे तो हो सकता है गरीब बने रहो पर सुखी रहोगे, अंतिम परिणाम अच्छा आएगा। गंदे बनोगे तो हो सकता है धन संग्रह कर लो, बहुत बुरा परिणाम होगा जिसको सोच नहीं सकते। कई तरह से माया प्रभावित करती है। आप जिस रोल के मर्मज्ञ हैं आपसे हजार गुना मर्मज्ञ सामने खड़ा कर देगी, उसकी उन्नति हो रही। अब जलो बैठ के, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, अब क्या उपाय लगेगा, इतनी मेहनत की, इतना यश हुआ, अब हमारा यश, कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे आप जो एक्टिंग कर रहे हो, चाहे आप साधु हो चाहे असाधु हो, कर्म बहुत बलवान है। भगवान का आश्रय ले लिया है तो भोगने में सुविधा होती है।
ये बल है भगवान का, हर कष्ट को सहकर अपने मार्ग में अपनी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देना है। अगर उठने लायक हैं तो उठेंगे जरूर, नहीं उठने लायक है तो मानसिक दिनचर्या प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा ये लोग जैसे कहते हैं ना, भजन का फल क्या, इतने बड़े भजनानंदी इनकी किडनी फेल है। भजन का फल किडनी से ही होना नहीं है, भजन का फल है भगवत प्राप्ति। आज नहीं तो कल शरीर जाएगा, पर जहां जाएगा वो प्रियालाल के पास जाएगा, बस आनंदित है। जय दिन कट रहे हैं, कटने दो, जाना तो श्यामा श्याम के पास। हाँ पक्का, ये तो मतलब हृदय में आ जाता है ना कि अब हमारा काम पूरा हो गया, किसी के प्रमाण की जरूरत थोड़ी होती है। प्रमाण मनम, मन से प्राप्त। अब जैसे बहुत गंदगी रही जन्म जन्मांतरों में तो फटाफट धुलाई हो रही है, पर इस भोग ने क्या किया, कृपा कर दी, पूर्ण रूप से श्री जी के आश्रित कर दिया। कहीं ना कहीं साधु को साधना का भी बल होता है, अब वो भी बल गया, अब केवल इतना बल है कि लाडली आप ही होंगे, आप ही सुनाने सकते, बस पूर्ण अंतःकरण केवल श्यामा श्यामा। तो ये हमें फल मिला, यह असाध्य रोग हमारा भजन बढ़ाने वाला पार्षद बन गया। हाँ कहीं भी मन जाने की बात सोचे, खान पान कहीं भी, सम्मान यश कीर्ति, तुरंत तो पार्षद बोलता है हम हैं होश में, कभी भी छूट जाएगा होश में तो राधा 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 हर समय नाम। तो देख लो भैया, ऐसा कोई रोल मत करना जिसमें संतों की निंदा हो और धर्म विरुद्ध। जैसे कुछ लीलाएं बनाई हैं फिल्म वालों ने, मंदिर की अवहेलना, ठाकुर का उपहास, भक्तों को मूर्खता साबित करना, गंदे आचरणों को प्रमाणित कर देना। जैसे हस्तमैथुन आदि है ना, इसको कहते हैं ये सहज है, उसमें लिखा था कि आप तो इसका निषेध करते हैं, ब्रह्मचर्य पुष्टता की बात करते हैं, और यहाँ तो खुला कहा जाता है कि ये नेचुरल है। फ्रेस्टनेस फ्रस्ट्रेशन क्या, ये उसको हटाने के लिए बहुत अच्छी औषधि है, डॉक्टर सपोर्ट करते हैं और आप मना करते हैं। तो हम कहते हैं हमारी बात, डॉक्टर की बात और फिल्म जो उसमें डायलॉग हैं, उन तीनों की बात सुनो, और जो कर रहे हैं वो अपने हृदय में अनुभव करें कि तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन दूर होता है, या तुम्हारे शरीर में भयानक कमजोरियां, भयानक परेशानियां, मन का अशांत होना ये आ रहा है कि नहीं। कई लक्षण बताए हैं उसमें तो पड़ा है। ये सब बाहरी लोग हैं, मायाकृत बुद्धि वाले, ये तो भ्रष्ट आचरणों को ही बताएंगे। इसलिए गंभीर शांत अगर जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हो तो अंदर अंदर प्रियाजू का नाम जप करो, बाहर से जीवन यापन के लिए जो स्वांग मिले उसे अच्छी तरह करो, पर धर्म विरुद्ध स्वांग नहीं। पर ऐसा नहीं कि भगवान की अवहेलना संतों की अवहेलना ये नाश कर देगा किसी को भी। करता हूं कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और महाराज श्री के ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं महाराज श्री की एक और वीडियो के साथ। राधे राधे।